ऑन करूंगा फॉग लैंप ओनली, ये फॉग लैंप से। फॉग हेडलाइट ऑन कर दी है मैंने, हेडलैंप प्लस फॉग लैंप दोनों जल रहे हैं इस टाइम पे। तो ये अब हाई बीम है, लो बीम है, हाई बीम है। दोस्तों अगर अपनी कार की हेडलाइट को इम्प्रूव करना चाहते हो विजिबिलिटी और लुक्स दोनों के मामले में, तो आप भी मेरी तरह लगा सकते हैं बॉस्ट्रिक की LED जो मैंने लगाई हुई है। उसके अलावा ये प्रोजेक्टर भी लगाए हुए हैं अपनी कार के अंदर जो फॉग लैंप में लगे हुए हैं, और काफ़ी ज़बरदस्त हैं प्रोजेक्टर। आज इन दोनों का ही एक मैं ना रियलिटी टेस्ट आपको करके दिखाऊंगा कि अगर ये दोनों चीज़ आप अपनी कार में लगाओ कि कैसी रोशनी आपको मिलती है फिर रोड के ऊपर। तो एक बार इसको मैं आपको इवनिंग में पूरा टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर, तो ये वीडियो पूरी देखिएगा। उसके अलावा मैं एक बात कहना चाहूँगा कि लाइट उस तरह की नहीं है कि सामने वाले ट्रैफिक की आंखें फोड़ दे। कई लोग होते हैं इतनी हैवी लाइट्स लगा लेते हैं कि अपकमिंग ट्रैफिक को देखने में बहुत दिक्कत होती है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये रोशनी अच्छी देगी लेकिन सामने वाले ट्रैफिक के लिए कोई दिक्कत नहीं करती। चाहे रोड पे कोई चल भी रहा हो तो उसको भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको एक अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी। दोस्तों अभी एक जगह पे मैंने गाड़ी रोक ली है जहाँ पे मैं अंधेरे में चेक करा सकता हूँ कि किस तरह की लाइट इसमें से आ रही है। जैसे अभी आप देख रहे हो स्ट्रीट लाइट है यहाँ पर, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जेड ब्लैक अंधेरा हो गया। और उसके अलावा ना कुछ बाइकें वगैरह भी यहाँ से निकलती रहती है क्योंकि आगे रास्ता बंद है, सिर्फ बाइकें निकल सकती हैं, गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं जाती, तो ट्रैफिक नहीं है यहाँ पर। तो अभी देखते हैं, एक यहाँ से स्कूटी निकली है, ये इतनी रोशनी दे रही है रोड पर, उधर से स्कूटी बाइक कुछ भी आ रहा है, तो आप देखो उसकी रोशनी कितनी होती है जो रोड पे जाएगा थ्रो। और अब मैं चेक कराता हूँ आपको, अगर आप प्रोजेक्टर फॉग लैंप लगाते हो, मैं थोड़ा सा साइड में खड़ा हूँ जहाँ पे ना रोशनी थोड़ी सी कम है, तो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि किस तरह की लाइटिंग है। तो अभी खाली मैं फॉग लैंप ऑन कर रहा हूँ इसके, तो ये हैं पहले फॉग लैंप, ये फॉग लैंप्स ऑन कर दिए मैंने, आप देख सकते हो सिर्फ फॉग लैंप की लाइट कितनी जबरदस्त है इसकी। मैं एक बार करके भी, एक सेकंड लगेगा, चेक करा देता हूँ। फॉग लैंप ऑन किए खाली, ये फॉग लैंप की लाइट वहां तक जा रही है। अभी खाली फॉग लैंप ऑन है और हेडलाइट बंद है, खाली वो पार्किंग लाइट जल रही है इसकी। ये हेडलाइट ऑन हो गई है, ये हाई बीम है और ये लो बीम है, तो ये हेडलाइट बंद है, अब ये हेडलाइट ऑन है। चेक करा देता हूँ हेडलाइट ऑन होने के बाद भी कितनी इसकी रोशनी जो है आगे दिखाई दे रही है इसमें। ये लुक आ रहा है अब इसकी हेडलाइट का, ये इस नीचे बैठेंगे तो आंख पे लगेगी, लेकिन जो एक नॉर्मल हाइट पर है ना तो ये आंखों पे नहीं पड़ती है डायरेक्ट, तो पूरी तरह से सेफ होती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉर्मली ये लाइटें लगवा सकते हो, जो मैंने लगवाई है ये मैं पूरी रिकमेंड करता हूँ, और आपको काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी रोड पर। मैं थोड़ा सा इसको ड्राइव भी करके दिखा देता हूँ। मैंने काली फॉग लैंप पे कर दी, अब ये ऑफ कर दी है, अब ये पूरी अपनी लाइट्स ऑन कर दी है गाड़ी की। दोस्तों अब आप देख सकते हो नॉर्मल जो रोड है उस पे काफी रोशनी होती है क्योंकि स्ट्रीट लाइट लगी हुई है यहाँ पे, बाकी कुछ व्हीकल सिस्टम निकलते रहते हैं, ज्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि रात का टाइम है। बट विजिबिलिटी आप देखो कि है ना भी बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं है, फिर भी मेरी जो हेडलाइट है वो कम अंधेरा होते हुए भी आपको क्या परफॉर्मेंस दिखा रही है आप खुद नोटिस कर सकते हो। अभी मैं सबसे पहले ऑन करूंगा फॉग लैंप ओनली, ये फॉग लैंप से। फॉग लैंप्स की जो लाइट है ना वो एकदम स्ट्रेट पड़ती है क्योंकि ये प्रोजेक्टर है, तो इनकी जो फोकस होता है वो बहुत अच्छा रहता है। उसके अलावा अब मैं एक बार ना हेडलाइट के साथ इसको ऑन कर देता हूँ, तो ये हेडलाइट ऑन कर दी है मैंने, हेडलैम्प प्लस फॉग लैंप दोनों जल रहे हैं इस टाइम पे। तो आप देख सकते हो क्या जबरदस्त इस टाइम पे विजिबिलिटी है, आपको रोड पे बिल्कुल सब कुछ साफ नजर आने वाला है। उसके अलावा इसमें एक बार मैं ना हाई बीम भी करके दिखा देता हूँ आपको, अभी ये लो बीम पे है, मैंने फॉग लैंप में हाई बीम नहीं ऑन की है, मैंने फॉग लैंप जो है उसको नॉर्मली रखा है,
लेकिन नॉर्मल जो अपना हेडलाइट है उसमें तो हाई बीम है, तो ये अब हाई बीम है, लो बीम है, हाई बीम है, लो बीम है। इसके अलावा एक बार मैं ना फॉग लैम्प बंद करता हूँ, क्योंकि फॉग लैम्प्स की रोशनी काफ़ी अच्छी है। ये फॉग लैम्प मैंने बंद कर दिए, अब आप देख सकते हो हेडलैम्प की भी रोशनी कोई कम नहीं है। हेडलैम्प में हाई बीम लो बीम प्लस, एक बार मैं पूरा लाइट दोबारा से बंद कर देता हूँ। हेडलाइट ऑन है, ऑफ कर दी, अब खाली फॉग लाइट ऑन है, ऑफ कर दी। एक बार मैं दोनों को ऑन करके बाहर से भी दिखा देता हूँ कि गाड़ी का ना लुक कैसा आ जाता है इसमें। ये हेडलाइट ऑन है, हाई बीम है, लो बीम है, और अब ये फॉग लैम्प भी ऑन हो गई है। तो मैं एक बार उतर के इसकी लुक भी चेक करा देता हूँ। बाकी इसकी एडजस्टमेंट भी आपको है ना हेडलाइट की एक बार चेक कराता हूँ कि ये देखो आप, मैं इसको भी थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ बीम को, और अब थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ इसको, तो एडजस्टमेंट वगैरह भी प्रॉपर इसमें काम करती है। दोस्तों सारा कुछ आपने देख ही लिया है किस तरह का सेटअप मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप भी अपनी कार की हेडलैम्प या फॉग लैम्प को इम्प्रूव कर सकते हो। दोनों में से एक चीज़ भी लगाओगे ना तो बहुत इंप्रूवमेंट हो जाती है। इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। साथ ही ये प्रोडक्ट मैंने लिए थे बिंद्रा मोटर्स से, उनका नंबर और डिटेल भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।